हम पूरे वर्ष झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं, लोगों का हक मारते हैं, हिस्सा मारते हैं, गलत काम करते हैं, अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, लोगों को लूटते हैं, खसोटते हैं, लोगों की आत्मा दुखी करते हैं और हमें प्रगति मिलती जाती है। क्योंकि आज के युग में लोगों का ऐसा मानना है, जो गलत कार्य कर रहा है वो सुखी है और जो सच्चाई से चल रहा है वो दुखी है। लेकिन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दें, यह 2022 जो है, ऐसे गलत काम करने वालों को दंड देने के लिए ही आया है। क्योंकि इस साल जो राजा हैं वो शनि देव हैं। शनि का शासन संपूर्ण वर्ष भर रहने वाला है। शनि देव न्याय के देवता हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल देते हैं। जो गलत काम करेगा निश्चित मान लो उसे दंड देंगे, और जो अच्छा कार्य करेगा उस पर अपनी कृपा पूरे वर्ष भर बना के रखेंगे। इसलिए 12 की 12 राशियां आज इस वीडियो को अंत तक देखें, किन राशियों पर शनि की विशेष कृपा रहेगी। और यदि 12 राशियों में कोई भी राशि क्या गलत ना करे, यदि गलत करते हैं तो दंड के भागीदार होंगे। उपाय भी बताएंगे, जिससे जिस उपाय को करके आप शनि की कृपा संपूर्ण वर्ष भर प्राप्त कर सकते हैं। पूरे साल भर गलत कार्य यदि अभी तक करते आए कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कभी गुरु राजा हुए, कभी चंद्रमा राजा हुए, कभी कोई राजा हुआ, लेकिन इस साल सावधान रहो, शनि इस साल के राजा हैं और शनि न्याय के देवता हैं। शनि की कृपा हुई तो इस साल बहुत कुछ पाओगे, और शनि यदि रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए, तो ये समझिया उनकी कुदृष्टि पड़ गई, तो बाप रे बाप, सब कुछ खेल खत्म। तो आज 12 राशियों में किस राशि पर शनि की कृपा रहेगी, किसको दंड देंगे और किसको सजा देंगे, किसको मजा देंगे, आज इस वीडियो में बताएंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, 12 राशियों में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों पर विशेष, वो स्त्री हो या पुरुष, शनि की कृपा है, विशेष कृपा रहेगी। मेष राशि के जातक कोई भी व्यापार शुरुआत करें 2022 में, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। और जो पहले से व्यापार कर रहे हैं उनको व्यापार में बढ़त और वृद्धि देंगे शनिदेव। बस एक छोटा सा उपाय जरूर करें, क्या करें कि शनिवार के दिन काली उड़द, ध्यान रखिए, शनिवार के दिन काली उड़द पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाएं। इतना काम आपको करना है, शनि देव की पूरे साल कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और क्या नहीं करना है, किसी के बारे में मन में विचार गलत नहीं लाने हैं, किसी का बुरा दिमाग से नहीं सोचना है, नहीं तो यही कृपा शनि देव की अकृपा में बदल जाएगी। बुरे विचार मनो मन में नहीं लाने हैं। मेष राशि के जातक विशेष ध्यान रखें। चलिए वृषभ राशि की बात करें। वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, शनि देव की कृपा बहुत है, पद प्रमोशन के योग है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट में है उनको शनि देव की कृपा से प्रमोशन की प्राप्ति होगी, पदोन्नति होगी। और बस एक बात का ध्यान रखें कि वाणी पर नियंत्रण रखें, बुरा किसी को मत बोले। यदि बुरा बोलेंगे तो सब खेल बना बनाया बिगड़ जाएगा। झूठ मत बोले, गलत मत बोले,
किसी को बुरा अपने मुख से मत बोले पूरे साल भर। निश्चित मान लें आप प्रगति करते जाएंगे, संपूर्ण वर्ष शनि की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। केवल एक काम करें, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे गेहूं के आटे में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर छोड़ें। संपूर्ण वर्ष आपको सिर्फ शनिवार का शनिवार करना है, शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी। शनि जो 22 में राजा है, राजा की कृपा प्रजा पर है तो प्रजा मस्त। चलिए मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि पर सबसे बड़ी कृपा है और इस साल मिथुन राशि जो पिछले कई 2-3-4 सालों से परेशान थी, राजा होते हुए भी भिखारी की स्थितियों में उसको जीना पड़ा, रहना पड़ा, अब वो समय गया। सारे योग पक्ष में हैं, शनि की विशेष कृपा रहेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी और विदेश यात्रा, विवाह योग, सारे योग खुले हुए हैं। सबसे अच्छा समय मिथुन राशि के जातकों के लिए रहेगा पूरा साल। एक उपाय करें, निश्चित लाभ पाएंगे, शनिवार के दिन अपना चेहरा एक कटोरी में सरसों का तेल लें और देखें जोशी को दान करें। चेहरे से अपनी छाया देखें और जोशी जो तेल मांगने आते हैं उनको दान कर दें। मिथुन राशि के जातक इतना करें, पूरे साल भर कृपा रहेगी। लेकिन क्या ना करें, नहीं तो कृपा यही अकृपा में बदलेगी। आपको क्या करना है कि किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं करनी है कि वो मेरी मदद करे। किसी से मदद नहीं लेनी है पूरे साल, सब कुछ शनिदेव पे छोड़ना है। नहीं तो होता क्या है, जरा सा घबराते हैं तो अगल बगल मदद मांगने लगते हैं। सब कुछ शनिदेव के ऊपर छोड़ें। मिथुन राशि के जातक निश्चित रूप से, और मंत्र है ओम सम शनिश्चाय नमः, इस मंत्र का पाठ करें। जब तक इच्छा हो तब तक बोलें, बिना गिने बोलें, तो बिना गिने मिथुन राशि वालों पर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए, तो कर्क राशि वालों पर मिला जुला असर रहेगा। सेहत के प्रति बहुत सचेत रहें, पूरे साल किसी के ऊपर विश्वास ना करें। कब कौन कहां पर धोखा दे जाएगा और पैसे का लेन देन तो बिल्कुल नहीं करें, कहीं निवेश ना करें, कहीं जो संचित धन है उसको संभाल कर रखें पूरे साल भर। और चिड़चिड़ ना करें, चिड़चिड़ का मतलब आप उलझ जाते हैं, आपके मन के मुताबिक जब कार्य नहीं होता तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उस पर नियंत्रण करना सीखें। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुरू करें, पूरे साल शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। चलिए सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत शुभ समय है, लेकिन शुभ है तो टांग फैला के नहीं सोना है, परिश्रम भी करें, लापरवाही ना करें, क्योंकि सिंह राशि के जातक राजा की ये तरह होते हैं, इसलिए परिश्रम करेंगे तो शनि की कृपा मिलेगी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वैसे तो बहुत अच्छा शनि की कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं सिंह राशि वालों के लिए। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, विवाह के योग आएंगे और सब पूर्ण वर्ष सिंह राशि वालों के लिए शुभ अति शुभ है। चलिए कन्या राशि वालों की बात करें, तो कन्या राशि वालों के लिए शनि देव की विशेष कृपा है,
मुसीबत में कितने भी हो, कष्ट में हो, ओम सम सनिश्चाय नमः, या ही नीलांजना समावासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्रों का जाप यदि आप करते हैं तो निश्चित मान लो आपके सारे संकट कटेंगे। 2022 में शनि राजा की कृपा आप पर विशेष है, बस इस मंत्र का जाप करें और मांगलिक कार्य जो अभी तक लटके हुए हैं, धार्मिक कार्य जो आपके रखड़ रहे हैं हो नहीं पा रहे, सब कुछ होंगे, सेहत भी आपकी, स्वास्थ्य भी अच्छा रखेंगे शनिदेव। करना क्या है, शनिवार को जो मंत्र बताया है या रोज ही जप लें तो क्या जाता है, ओम सम शनिश्चाय नमः, और एक हो सके तो बारिश में काली छतरी, ठंडक में काला कंबल, जरूरतमंद को जरूर दान कर, बहुत लाभ होगा। लिख लें कहीं और क्या ना करें, लोगों पर विश्वास इस साल बिल्कुल मत करें, नहीं तो हानि होगी। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए तो ये सोचो, इस साल जो सपने अभी तक देखते चले आए हैं सब पूरे होने वाले हैं। घर का सपना है पूरा होगा 2022 में शनि की कृपा से, जगह खरीदने का सपना है पूरा है, गाड़ी घोड़ा खरीदने का स्वप्न है वो पूरा होगा, सारे सुख साधन तुला राशि वालों को शनि की कृपा विशेष रूप से बरसेगी, मान सम्मान मिलेगा और जो राजनीति के क्षेत्र में है उनको सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि वालों के लिए शनि की विशेष कृपा है। साथ ही साथ तुला राशि वाले इस साल शनि राजा की कृपा से पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सफलता सब कुछ यश वैभव सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त करेंगे। करना क्या है, शनिवार के दिन यदि संभव हो सके तो जरूर करें, कृपा तो वैसे भी बनी रहेगी लेकिन फिर भी ये करेंगे तो आपसे जलने वाले लोग आपके शत्रु शांत रहेंगे पूरे साल। करना क्या है, कुत्ते को बिस्किट पाव जरूर खिलाएं, काले कुत्ता मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो कुत्तों को भी आप किसी भी कलर के कुत्ते को खिलाते हैं तो भी चले। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। परिवार का सहयोग मिलेगा वृश्चिक राशि वालों को, शनि की विशेष कृपा आपके परिवार पर रहेगी, सब अच्छा है, शुभ है, लाभान्वित रहेंगे, धन का आगमन रहेगा, बस अपना थोड़ा सा स्वभाव चेंज कर लें, वाणी पर नियंत्रण कर लें, साथ ही साथ गुस्से पे नियंत्रण कर लें, लापरवाही ना करें, किसी बहुमूल्य वस्तु के चोरी या खोने या गायब होने का भय बना रहेगा, इसलिए अभी जैसे आप कहीं गए और आपने अपना बैग या पर्स कहीं रख दिया, आपकी बहुमूल्य वस्तु उसमें सुरक्षित रहती थी, लेकिन 2022 में आप बहुमूल्य वस्तुओं को व्यवस्थित रखना सीखें, नहीं तो उनके गुम हो जाने का, खोने होने का, चोरी होने का, गायब होने का भय बना रहेगा। क्या करें, शनिवार के दिन एक पीपल का पत्ता, वहीं पीपल के पेड़ तोड़ना नहीं है, गिरा पड़ा मिले उसको एक बर्तन में जल लेकर जाएं और पीपल के पत्ते पर हल्दी से एक तिलक लगाएं, सिर्फ एक पत्ता धोएं, तिलक लगाएं और ओम सम शनिश्चाय नमः बिना गिने जितनी देर हो उतनी देर आप उसको उसके सामने मंत्र बोलें। उसके बाद
और या तब तक बोले जब तक वो आपने तिलक जो हल्दी का लगाया है वो सूख ना जाए। देखें फिर उस पत्ते को आप अपने जो भी जगह पैसा रखते हैं या पर्स रखते हैं उसमें सुरक्षित रख लें। इस शनिवार से शुरू करें और हर शनिवार करें, पूरे वर्ष करें, पैसे की कभी कमी नहीं पड़ेगी वृश्चिक राशि वालों को। और क्या ना करें, छल कपट धोखा धड़ी झूठ और साथ ही साथ सबके अच्छे होने के बारे में सोचें, उसका बुरा हो इसका बुरा हो ये दिमाग में न लाए, नहीं तो शनि की कृपा की जगह अकृपा हो जाएगी और सब गड़बड़ कर लेंगे। चलिए धनुराश की बात करते हैं। धनुराश वालों पर विशेष कृपा शनि की रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि यह समय उनके भाग्योदय का है, सुख का है और धन लाभ का है। व्यापार में वृद्धि होगी, सरकारी नौकरी में है पद में प्रमोशन होगा। शनि देव की विशेष कृपा धनुराश वालों पर है। हाँ, संतान के प्रति थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं, इसके लिए शनिवार के दिन गेहूं के आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को, काली चींटियों को खाने के लिए दें, निश्चित रूप से लाभ होगा। और क्या ना करें, बहुत बड़ी बात है, रिश्तेदार आपके घर में आए तो उनका अपमान मत करें। बस चलिए मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है इस साल। खर्च पर नियंत्रण रखें, फिजूल खर्च मत करें, व्यापार ठीक चलेगा ऐसी बात नहीं है, और अपने स्वास्थ्य और सेहत का विशेष ध्यान रखें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, ओम शम शनैश्चाय नमः मंत्र का जाप करें, काले तिल अपने सिर से बिना गिने हुए उतार कर मार्ग में या रास्ते पर फेंक दें, शनिवार के शनिवार करें, पूरे वर्ष भर शनि की विशेष कृपा रहेगी और सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए कुंभ राशि की बात करें। कुंभ राशि के जातकों पर विशेष कृपा शनि की है और शनि स्वामी भी है और वर्ष के राजा भी हैं। विवाह योग, संतान योग, दुनिया भर के जितने भी योग हैं सारे योग कुंभ राशि वालों के लिए बने हैं इस साल। प्रमोशन होगा, धन लाभ होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे, सब कुछ अच्छा इस साल कुंभ राशि वालों का होगा। क्या ना करें, चुगली करना बंद कर दें, बात कोई पेट में पचा नहीं पाते, पचाना सीखिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, ये ना करें। मीन राशि वालों की बात करें तो खर्चा बहुत होगा 2022 में, खर्चा मंगल कार्यों में भी हो सकता है, बीमारी रोगों में भी हो सकता है, घर मकान बनाने में रिपेयरिंग करने में हो सकता है, खर्च की अधिकता रहेगी, आमदनी थोड़ी सी कम हो सकती है। हाँ, विदेशों में जिनके व्यापार हैं उनको बहुत सफलता प्राप्त होगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, विवाह संतान शिक्षा के योग बने रहेंगे। क्या करें, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक दीपक लगाएं सरसों के तेल का और ओम शम शनैश्चाय नमः मंत्र का जाप करें, बस इतना बहुत है। विशेष कृपा शनि की बनी रहेगी, सावधानी क्या रखें, क्या ना करें, मदद करना बंद कर दें, मदद करेंगे तो मदद के काबिल खुद हो जाएंगे, इसलिए मदद करना नहीं है, क्योंकि शनि राजा हैं और किसी को दंड दे रहे हो उस समय आप मदद करोगे तो निश्चित फिर शनि आप पर कृपा नहीं, उनके कामों में रोड़ा आप लगा रहे हो तो कष्ट देंगे।
वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।